नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्जाम पोर्टल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्राउन का गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, पार्ट वन आ चुका है, अब पार्ट टू आज आएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट टू मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये हम लोग सिंधु सभ्यता तक डिस्कस कर लिए थे, अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल में कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है मैंने टिक लगा दिया है। देखिए ये जो घेरा हुआ है इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे वेद का क्या अर्थ होता है, आर्य का क्या अर्थ होता है। ठीक है, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, वैदिक संस्कृति कैसी संस्कृति थी, तो ग्रामीण संस्कृति थी। देखिए ये वर्ड को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, जो वर्ड मैंने आपको दिया है इसमें या टिक लगाया है या उसको अंडरलाइन किया है उसको आप लोग बस फॉलो करते रहिए। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे देखते हैं, सातवां मंडल में दस राजीव का वर्णन है, वरुण का उल्लेख है। ठीक है, मैंने टिक लगा दिया है कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, आरण्यक के बारे में मैंने बताया था, उपनिषद के बारे में बताया था, उप मतलब समीप, निषद मतलब गुरु होता है। ठीक है, गुरु के समीप जो ज्ञान प्राप्त करके पुस्तकें लिखी गई उसको उपनिषद कहा गया। ठीक है, अब देखिए ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले होत्र या होत्री कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऋग्वेद का पुरोहित का नाम क्या है, होत्र या होत्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद आप पढ़ लीजिएगा। ऋग्वेद में से जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक लगा दिया है, उसके बाद ही मैंने फोटो खींचा है इसका। ठीक है, अब सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है या उसके ऋचाओं का जो गायन करेगा उसको उद्गाता कहेंगे। ठीक है, ये पीटीएस क्या है, देखिए पीटीएस क्या है, पंचविश ताडड और इसको सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, तो पीटीएस से आपको ध्यान आ जाएगा कि ये दो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद है, यजुर्वेद य से यजुर्वेद होता है और य से अधर्यु में भी य है। ठीक है, तो इससे आपको आपको पता चल जाएगा कि यजुर्वेद का अर्थयु है, मतलब आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो सामवेद के बारे में मैं बता रहा हूँ, स से सामवेद होता है, स से संगीत होता है, संगीत होता है। ठीक है, संगीत होता है, तो स से सामवेद, स से संगीत। ठीक है, तो संगीत का जनक सामवेद, संगीत का जन्म जो सामवेद से हुआ है। ठीक है, और संगीत को ही तो गाया जाता है, तो इसका जो है उद्गाता होता है। ठीक है, मतलब जो गाने बजाने वाला पुरोहित होगा वो सामवेद का पुरोहित होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आप सब पढ़ लेना, इसमें मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये कार जो है ये इसका है, ऐत्रेय और कौशिकी जो है वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसलिए के से कौशिकी, ए से ऐत्रेय और आर से ऋग्वेद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे पेज में आइए। अब देखिए गद का अर्थ होता है कहानी। ठीक, लेख मतलब जो कहानी, जैसे कहानी जो लिखा रहता है ना उसको गद बोलते हैं, और जो कविता टाइप में होता है उसको पद बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि इसका अर्थ क्या है, आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अथर्ववेद चौथा वेद है, अंतिम वेद है, इसमें जो जो पॉइंट याद करना है वो मैंने टिक लगा दिया है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद करोगे, ये पॉइंट याद करोगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ऋग्वेद का होत्री, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्यु, अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये पुरोहित याद रखना है। ठीक है, उपवेद है, आप याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उपनिषद आपको याद रखना है। ठीक है, उपनिषद इस याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा किसका उपनिषद है। ठीक है, अब देखिए उपनिषद का थोड़ा थोड़ा मैंने ट्रिक बनाया है, ए के जी टी एस टी कार, तो उधर बनाया था मैंने, वही यहाँ पे टिक है। देखिए ऋग्वेद का कार बनाया था ना मैंने, तो वो यहाँ पे है कार लिखा हुआ। ठीक है, वैसे करके आप भी थोड़ा थोड़ा कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है ना कि हमारा क्वेश्चन बस कन्फ्यूज ना हो, थोड़ा सा एक वर्ड भी उसका मैच करा लेंगे तो हमको आंसर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अरण्यक के बारे में मैंने बताया ही था कि अरण्यक मतलब होता है जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को अरण्यक कहते हैं। यहाँ पे दिखा लिखा हुआ अरण्यकों की संख्या 7 है, ये ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग के बीच सेतु का काम करते हैं। इनके नाम जो है ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसा कि अत्रेय, बृहदारण्यक, कौशिकी, सत्पथ ब्राह्मण। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, ये उपनिषद का सारा पॉइंट पढ़ लेना है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा था कि उपनिषद किससे संबंधित है, तो उपनिषद जो है धार्मिक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना। आप देखिए देखिए यम निचिकेता संवाद हुआ था उसको कठोर निषद में, तो हम यम को क्या जानते हैं कि यमराज होते हैं या यम होते हैं, वो बहुत कठोर होते हैं, किसी को भी दंड दे देते हैं। ठीक है, या किसी को भी मृत्यु को मुख में डाल देते हैं। ठीक है, या किसी को भी मतलब जीवन को वो छीन लेते हैं, तो मतलब बहुत कठोर हैं। ठीक है, तो हम इससे याद रखेंगे कि निचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोर उपनिषद में संग्रहित है। ठीक है,
ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये वाला सब याद कर लेना है, पुनर्जन्म किसमें है, भक्ति का शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें है, ठीक है। वेदांग कितने हैं, 6 हैं। क्यों लिखा गया वेदांग को, तो जो वेद लिखा गया था ना वो मूल संस्कृत में लिखा हुआ था, वो मतलब आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा था, या जो ऋषि थे बाद के ऋषि थे उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको उसके अर्थ को मतलब अच्छे से समझ आए इसलिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग का 6 को देखिए, शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा, छंद, ज्योतिष। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना ये पॉइंट, ये इससे इसको सुमेलित करने के लिए दिया हुआ था कि शिक्षा किससे संबंधित है, कल्प का क्या अर्थ होता है, मतलब शिक्षा का क्या अर्थ होता है, व्याकरण में क्या आता है, निरुक्त में क्या आता है, और छंद और ज्योतिष में क्या आता है, तो इसको सुमेलित करने के लिए दिया था। और ये 2017 के पीटी या मेंस में पूछा था दरोगा में, ठीक है, पीटी या मेंस में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है। देखिए छंद मतलब माप सिद्धांत होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, जो भी थोड़ा बहुत टफ रहता है वो टफ है उसको मैंने वहीं पे लिख दिया है, ठीक है, आप बस इसको फॉलो करते रहिए, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और मुझे भी थोड़ा पढ़ाने में आसानी हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सब लिख दिया है, तो मुझे अब ज़्यादा डिस्कस करने में दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये रामायण के 7 कांड लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं एक प्रैक्टिस सेट में मुझे क्वेश्चन मिला था कि रामायण में कितने कांड है, और तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया था कि इसमें कौन सा कांड नहीं है रामायण का, तो इसलिए मैंने लिख दिया उसको, ठीक है। अब देखिए ये महाभारत के बारे में दिया है, पढ़ लीजिएगा, रामायण के बारे में दिया है, पढ़ लीजिएगा, पुराणों की संख्या 18 है, इनका संकलन गुप्त काल में हुआ है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये सूत्र, ये जो सूत्र है ना, ये सामाजिक जो इस नियम वगैरह था उसको अच्छे से पालन कराने के लिए ये दिया गया था, ठीक है। तो ये गृह सूत्र है, स्रोत सूत्र है, धर्म सूत्र है, सोलो सूत्र, ये मतलब बेसिकली इसमें दिया गया है कि गृह सूत्र में जात कर्म उपनयन ये सब होता है, स्रोत सूत्र में राजा के लिए विधि विधान है, धर्म सूत्र में धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है, सोलो सूत्र में यज्ञ विधि निर्माण, ज्यामिति गणित का अध्ययन यहीं से शुरू होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए, जो पॉइंट याद नोट करने वाला है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं, देखिए वेद के ये वाला पॉइंट में 3 पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना, ये वेद त्रय और प्रस्थान त्रय, ये दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आप इसको याद रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, ये वाला दोनों, ठीक है। आप देखिए आर्यों का, अब देखिए ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, आर्यों का आगमन कैसे हुआ, विस्तार कैसे कैसे ये फैले, तो ये मतलब इसमें बताया गया है, ठीक है। M17 नाम का एक जीन होता है जो यहाँ के दिल्ली के लोगों में पाया जाता है, उससे पता चलता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला हम इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे, देखिए संपूर्णानंद, स से संपूर्णानंद, सबसे सब सिंधु प्रदेश, मतलब विद्वानों ने बताया कि जो आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो उसका ये लोग बता रहे हैं कि संपूर्णानंद ने सबसे सिंधु प्रदेश बताया था, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बनाया था, सरस्वती का था तिब्बत का था, ठीक है। मैक्स मूलर मध्य एशिया, मौसे मैक्स मूलर, मौसे मध्य एशिया, बाल गंगा तिलक धन ने उत्तरी ध्रुव कहा था, यही एक ऐसे थे जो उत्तरी ध्रुव बताया, बाकी कोई नहीं बताया उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे विस्तार हुआ, हिमालय, यमुना नदी, इधर इनका मतलब सीमा दिया हुआ है, हिमालय ऊपर में, हिमालय के नीचे तक फैले हुए थे, इधर अफगानिस्तान तक थे, इधर यमुना नदी इनका बॉर्डर बनाता था, नीचे यमुना नदी के समानांतर तक फैले हुए थे, ठीक है। आप देखिए ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वें मंडल में 21 नदियों का वर्णन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हाँ ये वाला जो चार्ट है ना, मैंने कल वीडियो में बताया था, ये वाला आपको पूरा रट जाना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको मिलाने के लिए देता है, सुमेलित करने के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए ये वाला आप ये याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला भी याद रखना, ये विदेशी नदी अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन है, हिरियानी, तो ये कौन सा है, सिंधु नदी को ये बोला जाता था, ठीक है। अब ये देखिए सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया, सर्वश्रेष्ठ नदी भी कहा गया, तो इस ये सब पॉइंट आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखना है आपको।
ठीक है, जो जो पॉइंट मैंने चिन्ह वो लगाया है उसको थोड़ा यहाँ पर याद रखना। नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवतेरा नदी था, ये भी ध्यान रखना है। मरुस्थल के लिए धन्य शब्द आया है, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि मरुस्थल के लिए कौन सा शब्द है, या चावल को क्या कहा जाता था, जौ को क्या कहा जाता था, जौ को धौ कहा जाता था, तो ऐसे करके मतलब कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये जनजातीय संघर्ष, जब आर्य आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनसे उनका संघर्ष हुआ और ये इसी को जनजातीय संघर्ष कहा गया, ठीक है। इसमें कौन कौन राजा के बीच लड़ाई हुआ ये सारा दिया हुआ है, कौन जीत गए थे तो इसमें दोनों में सुदास में और भेद में लड़ाई हुआ था, सुदास जीत गए थे, ठीक है। सामाजिक जीवन कैसा था इसमें आप देखिए, ठीक है, कि उस समय लोग कैसे रहते थे, स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी कि नहीं, कौन सा स्त्री और पुरुष में कौन सभा और समिति में भाग ले सकते थे, कौन नहीं ले सकते थे, ये सारा दिया हुआ है। जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, ठीक है। देखिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आएगा तो ये जन्म पर आधारित हो जाएगा, ठीक है, जन्म पर आधारित हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आगे जब मिलेगा हमको तो वहाँ उत्तर वैदिक काल आएगा, मतलब ऋग वैदिक काल जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो आएगा उत्तर वैदिक काल उसमें कर्म पर, ये जन्म के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। कर्म पर आधारित मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है उसका जात वही होगा, ठीक है। लेकिन जब जन्म पर आधारित हो जाता है तो मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजपूत का बेटा राजपूत, बनिया का बेटा बनिया, ऐसे करके चलने लगा, ठीक है। कब, तो उत्तर वैदिक काल में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वास अधिवास निवि, ये कभी कभी सुमेलित करने के लिए देता है, ठीक है। ये पहनने वाला है, देखिए निवि मतलब नीचे, ठीक, तो निवि मतलब नीचे होता है, तो नीचे कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र। अधिवास, अधि मतलब ऊपर, अधि मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर से जो ओढ़ा जाता है ना, ओढ़नी तो ऊपर से ही ओढ़ते हैं, पहले हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ओढ़नी महिलाएं ऊपर से रखती हैं या चादर ऊपर से रखते हैं, तो अधि मतलब ऊपर होता है, तो ऊपर से जो वस्त्र पहना जाता है या ओढ़ा जाता है उसको ओढ़नी बोला जाता है या अधिवास बोला जाता है। तो अ से ओढ़नी, अ से अधिवास, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने जो न्यूमरोलॉजी बताया है उसको आप लोग फॉलो, नीवी नीचे, अधिवास ओढ़नी, और वास जो होता है ये मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यव को, यव जो है जौ के लिए आया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नमक और मछली का उल्लेख नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आर्थिक जीवन, ऋग्वेद में आर्थिक जीवन क्या था, तो पशुपालक थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। गाय ही इन लोग का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, और आगे गाय के लिए लड़ाई झगड़ा भी होता था, ठीक है, तो ये अब ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ जो है ये वाला पॉइंट याद रखना है, तांबे या कांसे के अर्थ में होता था, अयस शब्द का प्रयोग होता था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए राजनीतिक जीवन उस समय कैसा था इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उस समय क्या था कि राजनीतिक, उसमें राजा के कोई, जैसे राजा वगैरह की कोई संकल्पना थी नहीं, ठीक है। जो मुखिया होता था या कुल परिवार का जो कुल का कुलपति होता था या उसको कुलोभ्य बोला जाता था, वही उस अपना वो चलाता था, मतलब सारा प्रशासन वगैरह देखता था, ठीक है। और जो जैसे छोटा छोटा गांव नहीं कह लीजिए, उसमें अभी धीरे धीरे गांव या सभ्यता बसना शुरू हुआ था, अभी जनसंख्या बहुत कम था, तो धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, ठीक है। तो पहले ये लोग कुलपति प्रधान या कुलपति आएगा, फिर धीरे धीरे उसके बाद राजा हो बनेगा, उसके बाद फिर राज्य क्षेत्र स्थापित होगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे कैसे ये बढ़ा, कैसे राजा से, कैसे राजा का अस्तित्व आया, ये आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जो बता रहे हैं आप, कैसे राजा बना, मान लीजिए कोई एक गांव था, ठीक है, उसमें पांच किसान थे, ठीक है, पांच किसान थे। अब मान लीजिए ये लोग खेती करते थे, लेकिन कुछ उसमें उदंड व्यक्ति भी थे, वो क्या करते थे, जब भी इनका फसल तैयार हो जाता था जाके उसको खराब कर देते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक आदमी आया और बोला कि आप एक काम करो, आप ये एक पांच जो एक आदमी था उसको बोला कि आप मुझे कुछ, जैसे आपके यहाँ अगर 50 kg अनाज होता है तो आप मुझे 2 kg दे दो, ठीक है। इसके बदले में क्या करूँगा, ये जो उदंड व्यक्ति हैं या जो बदमाश बच्चे हैं उनसे मैं आपकी रक्षा, आपके फसल की रक्षा करूँगा, ठीक है। फिर ऐसे हुआ, फिर ये एक दो आदमी और आया, बोला कि मेरा भी ले लीजिए 2 kg और मेरा भी मतलब आप फसल का रक्षा कीजिए। ऐसे करते करते क्या हुआ ना कि धीरे 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 ये आदमी के पास अब कितना अनाज हो गया, सबसे 2-2 kg लिया तो 10 kg इसके पास अनाज हो गया। अब ये क्या करेगा कि कुछ गांव के कुछ जो आदमी हैं बेरोजगार हैं उनको रख लेगा, ठीक है, बोलेगा कि एक काम करो तुमको हम लोग, हम क्या करेंगे, 0.5 kg या 500-500 ग्राम अनाज देंगे, तुम मेरे लिए काम करो। इस तरीके से अब उसके पास सैनिक हो जाएंगे,
ठीक है, अब सैनिक हो जाएंगे तो ये क्या करेगा कि देखिए यही होता था पहले, क्या था कि बलि कर चलता था, तो बलि जो था वो स्वैच्छिक कर था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में जितना भी टैक्स आया वो मतलब देना ही पड़ता था आपको, मतलब वो ऐसा नहीं था कि आप स्वैच्छिक है तो स्वैच्छिक बलि स्वैच्छिक था तो देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाद के जितने भी टैक्स थे आपको देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो राजा आपको दंड देगा, क्योंकि राजा के पास सेना था भाई, तो इसलिए आपको देना ही पड़ता था, ठीक है। तो ये वाला सब पॉइंट आप इस पढ़िएगा, इस सबका आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। और धार्मिक जीवन कैसा था, कौन कौन देवन देवताओं का पूजा होता था, ये सब सारा ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आज ये हमारे यहाँ विष्णु ब्रह्मा और शंकर जी की पूजा होता है, वैसे नहीं होता था, शुरू में ये इंद्र वगैरह की पूजा करते, बाद में इनका जो महत्व था कम हो गया और ब्रह्मा विष्णु महेश का अति हो गया। अब देखिए उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक काल से, ठीक है, क्योंकि ना उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा हमारा सामाजिक संगठन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, ठीक है। राजा का संकल्पना आएगा, बहुत सारा चेंजेस होगा, इसलिए उत्तर वैदिक काल को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने टिक लगा दिया है, आप इसको थोड़ा देखिएगा। देखिए और एक चीज़ और, पढ़ते समय सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जब हम सामाजिक संगठन पढ़ रहे हैं ना, तो हम ऋग्वैदिक काल का भी एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ का भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि अरे ऋग्वैदिक काल में क्या था जो बदल गया उत्तर वैदिक काल में, तो दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या आखिर चेंजेज कौन कौन सा आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ कन्या के जन्म की निंदा की जाने लगी, कन्या को चिंता का कारण बताया जाने लगा, स्त्रियों को शुद्ध व्रत, मतलब ये चेंजेज आ रहा है समाज में, ठीक है, ये चेंजेज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब देखिएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म कर्म से जन्म आधारित हो जा रही है, तो ये भी चेंजेज आया, ठीक है। आर्थिक जीवन देखिए बदल रहा है, पशुपालन जो है ना वो गौण में चला जाएगा, मतलब सेकेंडरी वर्क बन जाएगा और कृषि प्रमुख बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके आप चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। कंपेयर कीजिए कि ऋग्वैदिक में क्या हुआ तो कैसे चेंजेज हो गया, या सिंधु में था तो ये ऋग्वैदिक में था कि नहीं, ऋग्वैदिक में क्या अलग था सिंधु सभ्यता से, ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा, इसका राजनीतिक जीवन मतलब राजा वगैरह का क्या सिस्टम था, प्रशासन कैसे चलता था, राजा का पद अनुवांशिक हो गया, ठीक है। देखिए चेंजेज हुआ कि नहीं, पहले ऋग्वैदिक काल में राजा अभी नया नया आया तो अभी अनुवांशिक नहीं था, मतलब हो सकता था राजा को कोई दूसरा आदमी मार के और राजा बन जाए, या गांव के सभी लोग मिलके किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बना दें, लेकिन धीरे धीरे इसका पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, तो इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए ये धार्मिक जीवन जो है, धार्मिक जीवन इसको आप पढ़िएगा कि उस समय धर्म में क्या परिवर्तन आया, ऋग्वैदिक काल से क्या चेंजेज हुए उत्तर वैदिक काल में, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा यज्ञ वगैरह होता था, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन सा यज्ञ है, ये बहुत प्रकार है, भूत के लिए यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, ऋषियों के लिए है, समस्त जीवों के अतिथियों के लिए है, देवताओं के लिए, पितरों के लिए है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो है ना, एक मिनट मैं थोड़ा बता दूँ, ये वाला जो है, ये वाला इसको तो एकदम याद कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है, ठीक है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये वाला आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 16 संस्कार, इसको नहीं भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए विवाह, देखिए इसमें हमने टिक लगाया है, नहीं सिर्फ ये लगाया है कि उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार होते, तो बस इतना ही याद रखिए, ये सब जो है ना ये इतना सारा है, याद करने से उतना कोई फ़ायदा है नहीं, सिर्फ ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का बच्चा का कब कब उपनयन संस्कार शुरू होता था। देखिए ब्राह्मण का सबसे पहले हो जाता था शुरू 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 11 वर्ष में, वैश्य का 12 वर्ष में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये विवाह का जो सिस्टम है कैसे बदला, ऋग्वैदिक काल में क्या था, यहाँ क्या बदल के चेंजेज में आया, ये आप देखिए, ठीक है। इसमें सारा विवाह याद करने का जरूरत नहीं है, ब्रह्म विवाह याद कीजिए, प्रजापति असुर और गंधर्व विवाह याद कीजिए, ठीक। गंधर्व मतलब क्या होता है, गंधर्व मतलब गाने बजाने, मतलब लोग जंगल में जाते ही थे ऐसमुझ करने, गाना बजाने करने, तो वहीं पर जो प्रेम विवाह होता था तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था, ठीक है। और देखिए अब ये किसका कितना बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ये दिया गया है, तो इसमें मैक्सिमम वाला का थोड़ा याद कर लीजिएगा, और जो इम्पॉर्टेंट देवता थे उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट नदी है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, सिंधु नदी है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने याद करने वाला है वो टिक लगा दिया, ठीक। कुछ अपने से भी देख लीजिएगा कि हाँ मतलब आपको लगता है कि ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको भी याद कर लीजिए, जैसे गाय का भी याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए
ये चीज़ ये ना कुछ अधिकारियों के दिए गए हैं नाम कि ये अधिकारी क्या करते थे। तो अक्षय बाप आय व्यय का गणना देख करता, मतलब गणना करता था ये सब। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, एकदम इसको भी ध्यान से पढ़ना है कि हल का क्या था। देखिए जो जो याद करने वाला है ना उसको मैंने टिक लगाया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा खोजने में, मैंने सारा टिक लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो अर्थ अरिष्टनेमी और ऋषभ देव थे ना, ये दोनों का उल्लेख है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये देवा यहाँ पे दिया हुआ है और ये सब पॉइंट दिया हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। ये जो एक से लेके उन 20 तक है ना, इसको पूरा रट जाना है। देखिए मैंने टिक सारे में लगाया हुआ है, सिर्फ 2-3 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये ऋग्वेद का सर्वप्रथम देवता इंद्र थे, ये नॉर्मल फैक्ट है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है, याद था मुझे, ठीक है। तो आप ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम थोड़ा आइए देखते हैं। अब देखिए धर्म से रिलेटेड क्या बात हुआ कि जब ना उत्तर वैदिक काल जब आया तो उसमें बहुत सारा ना यज्ञ वगैरह होता था और बहुत सारा ना बलि वगैरह दिया जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग क्या करते थे कि मान लीजिए गाय का बलि होता था या घोड़ा का बलि हो रहा है, या गाय का बलि तो बेसिकली नहीं होता था, सॉरी, बैल का हो रहा है या जो हमारा घोड़ा है, या बहुत सारा बलि दिया जाता था। उससे क्या होता था, किसानों को नुकसान होता था और उस और ब्राह्मणों को बहुत सारा उनको दान भी देना पड़ता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो बहुत ज़्यादा धनी तो हो गए थे लेकिन उनका समाज में इज्जत नहीं था। जैसे वैश्य लोग, पैसा तो बहुत कमा लिया उन्होंने व्यापार में लेकिन उनको समाज में एक स्थान नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ऐसे धर्म की तलाश में थे जहाँ उनको इज्जत मिले, ठीक है। जैसे शूद्र लोग जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको यहाँ पे हिंदू धर्म में इज्जत नहीं मिला था। इज्जत अभी उस समय तीन ही लोग का था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य का थोड़ा था लेकिन वैश्य लोग चाहते थे कि हमारे पास अधिक पैसा है तो हमको ब्राह्मणों से भी ज़्यादा इज्जत मिले या क्षत्रियों से ज़्यादा इज्जत मिले, समाज में मतलब प्रमुखता मिले, ठीक है। तो उसके लिए उसके मतलब प्रतिक्रिया में, मतलब ब्राह्मण धर्म में जो कुरीति था उसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारा धर्म का उदय हुआ पूरे विश्व में, ठीक है। और हमारे मतलब इंडिया में भी दो गो धर्म का उदय हुआ जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख है, ठीक है। और एक रोचक बात यह है कि बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, दोनों अपने समकालीन थे लेकिन ये दोनों लोग कभी मिले नहीं आपस में, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो ये तीर्थकर लोग हैं इसका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे नाम ध्यान रखना है, पहला हम पांच याद करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, पांचवा और लास्ट वाला पांच याद करेंगे। जैसे ये 20, 21, 22, 23, 24, ठीक। अब इसको याद कैसे करना है मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रिक है रसापम जो टिक है, ये रसापम आप इसको याद रखो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें कैसे है, ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अरिष्टनेमी, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अपने क्राउन में लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। ये आगे से तीन है और पीछे से तीन है, ठीक है, मतलब छः इसमें लिखा हुआ है, छः तो कम से कम आप याद कर लो, बाकी अगर पाँच पाँच याद करना चाहते हो आगे से और पीछे से तो उसका भी आप ट्रिक बना सकते हो। मैंने तीन तीन ही बनाया था, आगे से तीन पीछे से तीन, जैसे ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ और ये लास्ट वाला थे अरिष्टनेमी, पारसनाथ और महावीर, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, देखिए ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अरिष्टनेमी, पारसनाथ, महावीर, ठीक है। तो मुझे छः याद है क्योंकि तीसरे का नाम पूछा हुआ था पीटी में, मतलब ये जो 2400 वाला दरोगा है उसके पीटी में पूछा हुआ था कि संभव तीसरे तीर्थकर कौन थे, तो संभवनाथ थे, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये महावीर का जैन संप्रदाय है, ये जैन संप्रदाय का कैसे उदय हुआ, क्या हुआ, ये सारा पढ़ना है आपको, ठीक है, त्रिरत्न वगैरह। अब देखिए एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ, मरे कब, तो इसको ना आप 40, 68 याद रखो, ठीक, मतलब 40 में जन्म हुआ, 68 में मर गए, ठीक है। तो 40 यहाँ 5 लगा दोगे और 4 लगा दोगे तो वो हो जाएगा, 5 के बाद 1 कम होता है तो 4, तो यहाँ पे 40 के पहले 5 लगाओ तो 540 हो जाएगा, 68 के पहले 4 लगाओ 468, ऐसे ही करके आप इसको याद रखो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब आप पढ़ लेना, इधर वाला सारा पढ़ लेना है, जो भी आपको मिलेगा तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ अगर फैक्ट एक्स्ट्रा आपको याद है तो आप उसको यहीं पे नोट कर दो तो आपको रिविज़न करने में आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए
आपने सुना होगा बाहुबली, ये कहाँ था? गोमतेश्वर की मूर्ति है बहुत बड़ी हमारे कर्नाटक में, आपने सुना भी होगा। तो वो गोमतेश्वर में बाहुबली की ही मूर्ति थी और ये ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ये हमको कहीं क्वेश्चन बैंक में मिला था तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। बेसिकली शायद घटना चक्र में मुझे मिला था पॉइंटर में, तो इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। हाँ ये देखिए, अब ये वाला सारा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये वाला सारा पढ़ लीजिएगा। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है देखिए, ये संगति वगैरह सारा याद करना है, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना भी पॉइंट है सारा पॉइंट याद करना है, आप ये याद रखना। मैंने बताया था ना कि दो इंपॉर्टेंट सबसे चैप्टर हैं सिंधु सभ्यता और बौद्ध धर्म। मौर्य काल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनता है लेकिन इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म, तो महावीर का, महात्मा बुद्ध का जन्म, तो आप इसको 63-83 याद रखो, मतलब 5 इसके आगे लगाओगे, 4 इसके आगे लगाओगे तो हो जाएगा 563-483, ठीक है। मतलब 563 में जन्म हुआ, 83 में मर गए, 483 में मर गए। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके ट्रिक करके याद रखो तो आपको आसानी होगा, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। मैं भी बहुत बार भूल जाता था लेकिन जब से ये ट्रिक मैंने बताया ना 40, 68, 63, 83, तो ये मुझे याद हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया है कि इनके पहले गुरु थे अलाराम, सांख्य का शिक्षा दिया, रुद्रक राम को वेद का शिक्षा दिया। तो रुद्रक का द और वेद का द है ना, रुद्रक को डिनोट करता है, तो ये मिक्स नहीं होगा कि अलाराम में सांख्य कौन दिया था और वेद कौन दिया था। तो द वाले में जो रुद्रक का द और वेद का द, तो ये वेद का शिक्षा दिए थे, अलाराम सांख्य का शिक्षा दिए थे, ठीक है। देखिए निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये वाला जो है बुद्ध से जुड़े स्थल, ये हमको घटना चक्र में मिला था, मैंने यहीं लिख दिया था, मतलब बुद्ध यहीं से इससे रिलेटेड थे। सारनाथ में सबसे पहले ज्ञान दिए थे, श्रावस्ती गए, शंकास गए, राजगीर गए, वैशाली गए, यहाँ पे मतलब उन्होंने बहुत अधिक समय बिताया था, तो इसलिए मैंने लिख दिया है उसको, ठीक है। अब देखिए ये सब आप पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, जो मैंने टिक लगाया है सब। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म में कुछ भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला आप छोड़ सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत आप याद कर लेना, ऐसे नॉर्मली जो रामायण वगैरह देखते होंगे तो उनको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, क्योंकि उसमें दिखाता है हाथी जब भी आता है तो गर्भ में बच्चा का जन्म होता है, तो ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको कोऑर्डिनेट करके याद करना, ठीक है। ये वाला सारा पढ़ना है देखिए। हाँ ये वाला एक चीज़ याद रखना है आपको, कौन सा देखिए, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना आप। देखो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, 3 रत्न, ठीक है। तो ये क्या हुआ देखिए, बौद्ध धर्म में कौन कौन सा चीज़ है, एक ये हो गया, एक एक मिनट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब 4 चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुझे फैक्ट मिला था भौतिकवादी का चयन, तो मैंने लिख दिया है, आप उसको ध्यान रखना, ये वाला आप याद रखो, ठीक है। अब देखो इसका ट्रिक है क्या, अका अक मतलब अजात शत्रु, काला शोक अशोक, अजात शत्रु काला शोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क, ठीक है, ये याद रखना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे देखिए, अजात शत्रु महान था, ठीक, काला शोक सबकामी था, अशोक को मोगली से बहुत प्यार था, मोगली एक मूवी नहीं आया था, मोगली जंगल वाला जो बच्चा रहता है घूमता फिरता बहुत इधर उधर उछलता रहता है, तो अशोक को मोगली से बहुत प्यार था, कनिष्क वसु का मित्र था, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद कर लो, मैं आपको देखो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अजात शत्रु महान था, तो ये महा, ये वाला महान, महाकश्यप का महान, ठीक है। काला शोक सबाकामी था, सबाकामी मतलब बहुत ये मतलब स्त्रियों के से आकर्षित रहता था, तो सबाकामी था, ठीक है, काला शोक सबाकामी था। अशोक को मोगली से प्यार था, ठीक है, अशोक को मोगली नाम का एक बच्चा था, उससे बहुत प्यार था, ठीक है, आप ऐसे करके याद करो। कनिष्क वसु का मित्र था, कनिष्क का मित्र कौन था, वसु, ये वसु मित्र, ठीक है, आप ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। आप देखो एक चीज़ और, ये थोड़ा सा पीछे चला गया, एक मिनट, हाँ देखिए ये वाला सारा याद करना है, ठीक है। कौन सा वो प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा पीटक हुआ, वो आपने, मैंने उसको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी ध्यान रखना। ये सारा चीज़ पढ़ो आप, जो भी मैंने पॉइंट लगाया है आप अपने बुक में लगा के और उसके बाद पढ़ना, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेना, ठीक है। ये किस में पहला बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, दूसरा किस में, तो ये यही लिखा है मैंने, चौथा कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। तो ये आप देखना, कनिष्क जो है, कनिष्क हर्षवर्धन महायान सका के पोषक थे, महायान सका सुन्यवाद, ये सब मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से पढ़ना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ एक चीज़ ध्यान रखना आपने, मैंने इसमें लिखा है कि किसका संकलन कौन किया, ठीक है, ये आप भी लिख लेना, ठीक है, मुझे कहीं मिला था इसलिए मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब देखिए ये, उसके बाद ये वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है,
वैष्णो धर्म के बारे में पढ़ना है तो ये वैष्णो धर्म में जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ लेना। अवतारवाद की संकल्पना वैष्णो धर्म से ही आई है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बंगाल में जो शशांक शासक था उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, तो जब बोधि वृक्ष कटवा दिया गया तो उसके बाद ना श्रीलंका से जो अशोक अपने पुत्री महेंद्र और संघमित्रा मतलब पुत्र और पुत्री से जो भेजा था, इसका एक जो हमारा बौद्ध बोधि वृक्ष है उसका एक मतलब शाखा को भेजा था, मतलब एक पौधा भेजा था श्रीलंका में, उसी पौधा के पांचवा पीढ़ी को लाके लगाया गया है फिर से बोधगया में, ठीक है। और आज जो ये पेड़ है वो पांचवी पीढ़ी का है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब आप पढ़ लेना। अब देखो मैं इधर आ जाता हूँ, ये शैव धर्म है, शैव धर्म है, शैव धर्म को आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, शैव धर्म मतलब शिव से रिलेटेड, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है जैसे पाशुपति कपालिक कालामुखी लिंगायत, ये वाला सब पॉइंट ये आप याद करना, ठीक है। लिंगायत को जंगम या वीर संप्रदाय कहा जाता है, पाशुपत को लकुलिस इसके संस्थापक थे, ठीक है। ऐसे करके सारा कुछ ये इसमें मैंने टिक लगा दिया, आप इसको याद कर लेना। ये देखिए ये जो मतेंद्र गोरखनाथ थे ना, ये नमस्तेंद्रनाथ या बाबा गोरखनाथ, यही योगी आदित्यनाथ के जो गोरखपुर वाला पीठ है उसके संस्थापक भी थे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए महाजनपद में क्या याद करना है, महाजनपद में देखिए कौन किसको मिलाया मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप उसको याद रखना। सिर्फ इसमें राजधानी याद करना है कि किसका राजधानी, राजधानी कौन है, ठीक, राजधानी याद करना है। और दूसरा चीज़ क्या याद करना है कि जैसे कोई भी था, जैसे वजी था, ठीक, या कुरु था, या चेदी था, अस्मक था, सूरसेन था, वत्स कोसल मगध था, तो इसको जीत के कौन मगध में मिलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया, किसको, वैशाली को, ठीक है। और ये कुशीनगर बुद्ध से संबंधित है मैंने लिख दिया है, विराटनगर मत्स्य विराटनगर, ये कहाँ है, राजस्थान, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा ये जनपद किस क्षेत्र में आता है या कौन से क्षेत्र में आता है आप ये ध्यान रखें, काशी वाराणसी में, अंग भागलपुर मुद्दे, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, इसमें क्या है, हाँ देखिए मेघा अस्त्रिनी ने अपने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है, तो सूरसेन अभी आया था ना, देखो आप पीछे ये सूरसेन है, ये मथुरा में, तो इसका वर्णन मेघा अस्त्रिनी किया है, ठीक है। अब देखिए अवंती जो है ये था, वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ये सब सारा आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें कौन किसको मिला है ना, मैंने आगे स्पष्ट रूप से लिखा है, देखो मगध, देखो बिम्बिसार अंग को मिलाया, अजातशत्रु कौशल और वैशाली को मिलाया है, कौशल और वैशाली को मिलाया है, बिम्बिसार अंग को मिलाया है, ठीक है। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता है, शिशुनाग अवंती और वत्स को जीता था, ठीक है। अब देखिए अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, बिम्बिसार को श्रेणिक कहा जाता था, ये मैंने सारा लिख दिया है, आप लोग अपने बुक में भी लिख लेना आप, ठीक है, इससे आपको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, मैंने बहुत सारा खोज के लिखा हुआ है तो थोड़ा आपको सुविधा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जितना भी है ये सब याद करना आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये, अब देखिए शिशुनाग जो था सब महावीर भी है, बैंग अजातशत्रु के लिए, मतलब ये क्या है ट्रिक बनाया हुआ था कि शिशुनाग ने किसको किसको जीता, बिम्बिसार ने किसको किसको जीता और अजातशत्रु ने किसको किसको जीता, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, मैंने ये अभी चार्ट में लिखा है ना, ये वाला वही है आगे, ठीक है, उसी का ट्रिक बनाया हुआ है। अब देखिए आप देखना ये थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हाँ ये उदयन वही पटना का स्थापना जो किया था वो था अंतिम वंश का साथ। देखिए कोई भी वंश होगा ना, कोई भी वंश पढ़ेंगे तो उसका संस्थापक पढ़ेंगे, संस्थापक, ठीक है। पहले इतना ही पढ़ने से काम चल जाता था, लेकिन अब अंतिम शासक भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दरोगा में एक दो बार अंतिम शासक का नाम पूछा था, ठीक है, तो अब अंतिम शासक का भी नाम पूछा जा रहा है, इसलिए किसी भी वंश को हम पढ़ेंगे तो उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक, ठीक, ये जरूर पढ़ेंगे। जैसे ये था ना अंतिम शासक नागदशक, ठीक है, तो वैसे ही करके नंद वंश में इसको उग्रसेन भी कहा जाता था, ठीक है, और ऐसे करके देखिए ये घनानंद को अग्रमीज कहा जाता था, एकराट भी कहा जाता था, ठीक है। देखिए एकराट यहाँ लिखे ना, एक वही एकराट है ये, ठीक है। तो महापद्मनंद को एकराट भी कहा जाता था और महाउग्र भी कहा जाता था, घननंद को अग्रमीज कहा जाता था, ये ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ये सिकंदर का आक्रमण, अब ये महा ये मगध का वंश का नंद वंश का विनाश हो जाएगा, सिकंदर आ रहा है, सिकंदर से
कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मिलने भी गया था, सहायता मांगने गया था, लेकिन ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है अभी। बहुत सारे इतिहासकार में मतभेद है अभी, ठीक है। तो ये वाला पढ़ लेना कि कौन कौन सा लड़ाई हुआ था, कैसे कैसे, किस नदी के किनारे, ये वाला आप पॉइंट याद रखना, झेलम नदी वाला, इसलिए मैंने घेरा है क्योंकि वो, और कितने दिन तक रहा था ये भी क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, पीटी में या मेंस में पूछा है, मुझे याद है मैंने दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, कल मैं मौर्य साम्राज्य के आगे पढ़ाऊँगा। आप लोगों को अब होमवर्क क्या है कि आप यहाँ तक लूसेंट एमसीक्यू लगाओगे, पहले तो इसको क्राउन को, क्राउन के इस चैप्टर को दो बार पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लूसेंट के एमसीक्यू, एमसीक्यू को ये चैप्टर जो भी है जो मैंने पढ़ाया, कौन कौन सा पढ़ाया आज, जो भी तीन चार चैप्टर पढ़ाया है, यहाँ मौर्य काल के पहले तक सारा एमसीक्यू लगा जाना है, ठीक है। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए, और बाकी कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।